तरफ जहां सरकार किसानों को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, नए नए बिल पास किए जा रहे हैं, किंतु जमीनी स्तर पर किसान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसान कभी कुदरत की मार सहता है तो कभी प्रशासन की लापरवाही की। ऐसा ही एक मामला विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के पंचायत तोकिक में सामने आया है, जिसके चलते किसानों की करीब 250 कनाल भूमि नाले के पानी से बर्बाद हो गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत तोकी ने बताया कि गांव मलोट से एक नाला तोकी गांव तक आता है, अतः इससे रास्ते में पड़ने वाले 8 से 10 गांवों का पानी आता है, किंतु पिछले 4-5 साल से इस पानी की निकासी न होने से प्रत्येक साल ये पानी खेतों में आ जाता है, अतः पकने को तैयार फसल तबाह हो जाती है। उन्हें बताया कि पहले यहाँ पर पानी की निकासी थी, परंतु जलंधर पठानकोट हाईवे बनने से यहाँ से पानी की निकासी बंद कर दी गई। वहीं किसानों का कहना है कि उनके पास यही कुछ भूमि है जिस पर वह अनाज उगाते हैं। हर साल इन दिनों फसल काटने का समय आता है तो फसल इस नाले के पानी की वजह से नष्ट हो जाती है। फसल पक्की दी है, पहले पानी नहीं आता, मोटर लाई है, अपना पानी अहीं खुद गवर्नमेंट कोलों कोई पानी नहीं अहीं लैंदे। ये जिहड़ा नजायज़ नाला इधर नूं आंदा, ये साडी फसल 25-30 किले दे विच विच सारी खराब हो गई है। इहदा अहीं गवर्नमेंट अगे भी बथेरी बारी कीता, MLA नूं भी सद्या, फिर SDM नूं भी दस्या, NHM वालिआं नूं भी दस्या, इहदे कोई समाधान नहीं, इहदा कोई हल नहीं कीता जी। असीं गरीब आदमी आ, साडी 2-2, 4-4 किले पैली आ, अहीं ते इस हिसाब नाल मार ही जाणा, मार ही छड़ना सानूं लोकां ने। उज्जवल हिमाचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमान की रिपोर्ट।